16 जून के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया ये आज का दिन जो अपने आप में विशेष है। IDFR 200 मिलियन से अधिक प्रवासी कामगार महिला और पुरुषों को मान्यता देता है, जो 800 मिलियन से अधिक परिवार के घरों को पैसा भेजते हैं। ये दिन आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक जलवायु आपदाओं और एक वैश्विक महामारी का सामना करने में प्रवासी श्रमिकों के महान लचीलेपन पर प्रकाश डालता है। तो ये दिवस आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही विशेष और सराहनीय दिवस है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में 16 जून में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज का दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पारिवारिक परिषद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और ये दिवस महत्वपूर्ण है। पिछले 20 सालों में परिषद प्रवाह का मूल्य 5 गुना बढ़ा है। इन प्रवाहों ने अक्सर एक प्रति चक्रीय भूमिका यानी कि काउंटर से साइकिलिंग रोल निभाया है। आश्चर्य की बात यह कि 1 अरब लोग या दुनिया में 7 से 1 व्यक्ति भेजकर 2 मिलियन प्रवासी श्रमिक या उन्हें प्राप्त कर 4 लोगों का औसत घर प्रेषण में शामिल है। दुनिया के 70 लोगों में से एक कुल मिलाकर लगभग 800 मिलियन इन प्रवाहों से लाभान्वित होते हैं। 70 से अधिक देश प्रेषण के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP के 4% से अधिक पर निर्भर है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रेषण एक इंजन की तरह काम करता है। प्रवासी श्रमिक अपने घर 1 या 2 महीने में औसतन 200 अमेरिकी डॉलर या 300 अमेरिकी डॉलर भेजते हैं या उनकी कमाई का केवल 15% ही दर्शाता है क्योंकि बाकी की कमाई उनके अपने देशों में रह जाती है। वे जो भी भेजते हैं वह एक परिवार के कुल आय का 60% तक हो सकता है और लाखों परिवारों के लिए एक जीवन रेखा की तरह नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण में सबसे ज्यादा तेज गिरावट की उम्मीद थी COVID-19 के संकट के समय। हालांकि इन भविष्यवाणियों को बताते हुए विश्व बैंक की मई की जो 2011 की रिपोर्ट है वह 2019 की तुलना में 2020 में केवल 1.6% की गिरावट के साथ प्रेषण पर इसका काफ़ी कम असर नजर पाया गया। औपचारिक प्रेषण के निरंतर प्रवाह के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कारणों में से एक प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाना है। ऑनलाइन और मोबाइल का डिजिटलीकरण उत्प्रेरक और प्रेषण प्रवाह का प्रवर्तक साबित हुआ। विशेष रूप से 2020 में GSMA 2021 के दौरान मोबाइल प्रेषण 65% बढ़कर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 50% से अधिक प्रेषणों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उनके घरों में भेज दिए जाते थे जहां दुनिया के 75% गरीबी और खाद्य की समस्या रहती थी। ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका में सुधार और अपने स्वयं के SDG प्राप्त करने के लिए प्रवाहों पर भरोसा करते हैं। वैश्विक स्तर पर अगले 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में संचित प्रवाह 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। लगभग 75% प्रेषण खाना, चिकित्सा व्यय, शुल्क और आवास व्यय में चला था। संकट के समय में प्रवासी श्रमिकों फसलों के नुकसान या पारिवारिक आपात स्थिति को पूरा करने के लिए अधिक पैसा घर भेज सकते हैं। प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रेषण का लगभग 25% या तो बचत के लिए जा सकता है या संपत्ति निर्माण या गतिविधियों में निवेश किया जा सकता है जिससे आय और रोजगार के अवसर बन सकें। प्रेषण भेजना महंगा हो सकता है। वैश्विक औसत पर मुद्रा रूपांतरण और शुल्क की लागत भेजी गई राशि का 7% है। SDG 10.C का लक्ष्य 2030 तक लेन देन की लागत को 30% तक कम करना है। तकनीकी नवाचार, विशेष रूप से मोबाइल तकनीक, डिजिटलीकरण और ब्लॉकचेन बाजारों में मौलिक रूप से बदल सकते हैं। 2015 में 2030 के बीच SDG समय सीमा के अनुमान के अनुसार प्रवासियों द्वारा अमेरिकी डॉलर 8.5 खरब उनके अपने देशों को भेजा जाएगा। उस राशि में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर किया तो बचत की जाएगी या फिर निवेश। प्रेषण और निवेश के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों में प्रवासी एक अमूल्य योगदान देते हैं। विशेष रूप से इसमें गरीबी को खत्म करने में SDG 1 और भूख खत्म करने में SDG 2, अच्छे स्वास्थ्य SDG 3, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा SDG 4, स्वच्छ पानी की स्वच्छता SDG 6, अच्छे काम और आर्थिक विकास SDG 8 को बढ़ावा देना और असमानताएं कम करना SDG 10 शामिल है। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रवास पर वैश्विक समझौते के उद्देश्य से विकास में उनके योगदान को मान्यता भी दी गई। IDFR संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा अपनाया गया एक सार्वभौमिक रूप
समानता प्राप्त पालन है। इन उद्देश्यों के लिए IDFR का संरक्षक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFD है। IFD का एक विशेष संयुक्त राष्ट्र UN एजेंसी है जो विश्व खाद्य सम्मेलन 1974 के प्रमुख परिणामों में से एक थी। बाद में 1977 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। तो ये जो दिवस है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करिए।